इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखी। इतने सालों इंतजार के बाद मैं एक दो कौड़ी की लड़की से डर के घबरा के हार जाऊंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। रियली हमें तो कुछ नहीं लगता, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि आपका इतना सब सच पता चलने के बाद जिंदल साहब आपको वरमाला पहना कर आपसे शादी करेंगे? और कौन बताएगा उन्हें ये सब, ये सच? बहुत इंतजार किया है अक्षत का और उसकी इस प्रॉपर्टी जायदाद दौलत का, और इन सब चीजों पे मेरा हक है। चलिए दुर्गा जी, इनकी कहानी का दियन करने का समय आ गया है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। पैसे और दौलत के इस मोह में आपने हर रिश्ते को अपमानित कर दिया। आप इतना गिर गई कि दो प्यार करने वालों के बीच में दरार पैदा कर दी। बहुत हो गया आपका ये नाटक। हमारी और इस पूरे परिवार की जिंदगी से दूर चली जाइए। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। पैसे और दौलत के इस मोह में आपने हर रिश्ते को अपमानित कर दिया। आपके खिलाफ सारे सबूत है हमारे पास। गुड्डन जी, इसकी जिम्मेदारी आपकी है, जो चाहे कर सकती है। आधा घंटा है आपके पास, आपको खुद इस शादी से मना करना होगा और उसके बाद इस परिवार से दूर जाना होगा, वरना हम आपका पूरा सच परिवार वालों के सामने लाएंगे सबूत के साथ। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, पत्नी है ना हम आपकी, आपके साथ रहेंगे और आपके साथ ही आंसू भी बांटेंगे। गुड्डन को लगता है कि मैं हार गई, उसे लगता है कि मैं चुपचाप सुबह उठूंगी और रोते रोते इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। ये उसका भ्रम है और आज रात उसका ये भ्रम टूटेगा। सरप्राइज के लिए तैयार रहना दुर्गा पूजा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं सोमवार रात देखिए। आज रात अक्षत और गुड्डन की इस प्रेम कहानी में एक ऐसा भूचाल आएगा जो उनकी इस प्रेम कहानी को ही नहीं बल्कि इस घर की सारी खुशियां हमेशा के लिए छीन लेगी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। ठीक है नांत्रा जी, जहर तो नहीं फैलाना है? बिल्कुल भी नहीं है गुड्डन जी, उनके शरीर में जरा भी जहर नहीं है, तो रिपोर्ट सब वेरी क्लियर। पर ऐसे केसेस में जान को खतरा हो सकता है गुड्डन जी, क्योंकि एक नहीं दो दो जान इन्वॉल्व हैं। क्या मतलब आपका दो जान? अंतरा जी इज प्रेग्नेंट। मेरे खिलाफ सारे सबूत खत्म हो चुके हैं, राइट? गुड जॉब, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। आई एम वेरी हैप्पी कि इस बार भी तुमने अपना काम बखूबी निभाया है। डोंट वरी, पैसे तुम्हारे अकाउंट में एज यूजुअल पहुंच जाएंगे। गुड डे। बैड गर्ल गुड्डन, वेरी बैड। यू नो ये बैड मैनर्स होते हैं, किसी की बातों को ऐसे कान लगा के सुनना। मम्मी ने नहीं बताया था तुम्हें? वैसे भी इतनी बुरी हार के बाद तुम्हारा दिल इतने बड़े झटके बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो क्या है ना, मेरे खिलाफ जितने भी सबूत थे वो खत्म हो चुके हैं। प्लीज वापस कोशिश मत करना, ऐसा ना हो कि तुम्हारा ये कमजोर दिल टूट जाए। अंतरा जी, इस सिक्के में कितने शेर दिख रहे हैं अंतरा जी? What nonsense? 3। क्यों? कमाल है, एक रुपए का सिक्का पढ़ना नहीं जानती और बातें करती हैं करोड़ों की मालकिन बनने की। 4 है अंतरा जी, अगर चौथा शेर आपको नजर नहीं आ रहा तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो शेर है नहीं। ऐसे ना आपके जो बुरे कान है ना, उनकी लिस्ट ये बहुत लंबी है। आप कोशिश करके देख लीजिए, पर सबूत आप खत्म नहीं कर पाएंगे। ये गुड्डन जरूर भाई के दम पर ही इतना उछल रही है, ना जाने कौन सा सबूत आ गया है मेरे खिलाफ इन दोनों के पास। जल्द ही पता लगाना पड़ेगा। राजा
रावत जी, अब तो आप जान गए ना कि हम आपको इतनी देर से फोन क्यों कर रहे थे। अंतरा जी अभी भी अपनी करतूतों से बाज नहीं आए। गुड्डन जी, अब हम आपसे क्या कहें, अंतरा की हरकतों की वजह से हम खुद बहुत शर्मिंदा है। रावत जी, हमें अंतरा जी की सच्चाई सारे घर वालों के सामने लानी ही होगी, इससे पहले कि वो कुछ हो। गुड्डन जी, आप चिंतित ना होइए, हम एक अधिकारी हैं और डंडे और कागज दोनों का इस्तेमाल करना हमें अच्छे से पता है। मन से ना सही पर जन्म से तो अंतरा हमारी बहन है, इसीलिए हम कागज का प्रयोग करेंगे। इस प्रमाण की एक प्रतिलिपि है हमारे पास। सच रावत जी, आपके पास उस पेन ड्राइव की एक और कॉपी है? जी। आज एक भाई अपनी एक बहन के सुहाग को बचाने के लिए दूसरी बहन के खिलाफ प्रमाण देगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। भाई, भाई उठो, उठो भाई। इंस्पेक्टर साहब, रावत जी ने अपने आखिरी समय में ये खून से भरी राखी हमें दी थी और उन्होंने हमें खुद बताया था कि उनका कत्ल उन्हीं की बहन अंतरा जी ने किया। देख, चाकू मार दूंगा। अब और नहीं, मेरे पोते पर वार हुआ है और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। उस नयन कटारे से मेरा कोई नाता नहीं है। तो पुलिस आकर फैसला करेगी कि कौन, क्यों और किस लिए ये सब कर रहा है। अगर पुलिस आई और इस नयन कटारे का कनेक्शन नताशा से निकला तो अगर हम तुमसे बिछड़ के ज्यादा तो शायद हम नहीं जी पाएंगे। हद से ज्यादा चाहते हैं हम तुम्हें, उस मोहब्बत का वास्ता दे रहे हैं हम तुम्हें। अब तो उठ जाओ, कितना रुलाओगी हमें, बस आंखें खोलो ना अपनी। अभी जो डैड की कंडीशन है, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। कि तुम कैसे कह सकते हो करण? देखो, तुम हर बात के लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो। तो क्या ये सच नहीं है कि एक्सीडेंट से पहले भाई तुमसे मिलने तुम्हारे घर गए थे? तुमने किया ना ये? तुम्हारी शादी हो रही है और तुमने अपने घर वालों को बुलाया तक नहीं। शुक्रिया मोहिनी जी, जो थे इन दोनों ने ले आए। अब तारिक को खुद सारा सच अपने आप पता चल जाएगा। काकी, सारा सच बता दीजिए। जरूर। सतीश, सतीश, मैं राहुल से बात कर सकता हूँ? थैंक यू सो मच। वो ये बोल रहा है कि राहुल प्रयागराज में आया ही नहीं। मुझे लग रहा है कि तुमने राहुल जैसे किसी और हमशक्ल को देख लिया। पर वेदांत, वो पूर्वा, क्या तुम अब भी ये मानती हो कि ये बच्चा मेरा नहीं? ऐसी बात नहीं है वेदांत। तो प्लीज इसे राहुल का बच्चा मत बोलो। हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, कोई भी उसे नहीं छीन सकता। मैं पिल्लू को ढूंढने का ये मौका गवा नहीं सकती। अब मुझे मेरा फिल्मी तरीका ही आजमाना होगा। माई, आप कल्याणी का ध्यान रखिए, हम गांव में जाके मोक्ष ढूंढते हैं। हम लोगों के पास वक्त बहुत कम है, हम मोक्ष को अलग अलग जगहों पे जाके ढूंढेंगे। नंदी, अपने पापा से बोलो ना, शाम को बाहर निकलवा दें, घर की इज्जत नीलाम हो रही है। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, प्लीज। मेरी बस एक छोटी सी शर्त,
और वो शर्त अस्मिता को माननी पड़ेगी। मानोगी मेरी शर्त? क्या नंदिनी की शर्त मानकर छुड़वा लाएगी पुचकी अपने शान को? जानने के लिए देखिए ये तेरी गलियां शाम 7 बजे।